Assalamualaikum viewers, welcome to my kitchen, food world with Mehak. आज हम हमारे किचन में जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है वेजिटेबल फ्राइड राइस. वेजिटेबल फ्राइड राइस के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है इंग्रेडिएंट्स उसमें है, हमें चाहिए हाफ के जी मेरे पास है बॉयल्ड राइस. राइस हमने बॉयल करने के लिए सबसे पहले हमने उसको सोक किया है हाफ आवर. उसके बाद हमने उसको 2 टेबल स्पून सॉल्ट के साथ और 2 टेबल स्पून ऑयल के साथ हमने उसको बॉयल किया है और उसको हमने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है. वेजिटेबल्स में हमने लिया है 1/2 कप कैरेट है, गाजर, 1 कप शिमला मिर्च कैप्सिकम, 1 कप स्प्रिंग अनियन ग्रीन पार्ट हमने उसका लिया है. उसके अलावा 3/4 कप कैबेज, 1 कप ग्रीन पी है, हमने इसको 3 से 4 मिनट हमने इसको बॉयल कर लिया है. 1 टेबल स्पून गार्लिक है, हमने इसको फाइन बिल्कुल चॉप कर लिया है. 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा खाते हैं. 1/2 टीस्पून वाइट पेपर है, हमने उसको भी क्रश कर लिया है. 1 एंड हाफ टीस्पून सॉल्ट है, 1 एंड हाफ चिकन पाउडर है. 2 बीटन एग्स हैं, हमने उसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है और उसको बीट कर लिया है. 2 टेबल स्पून सोया सॉस है, 2 टेबल स्पून विनेगर है सिरका. 1 टीस्पून हम ऑयल गर्म करेंगे. जब ऑयल हीट हो जाएगा हम इसके अंदर एग ऐड कर देंगे. एग अब हम इसको स्क्रम्बल कर लेंगे. अब हम इसको निकाल लेंगे. अब हम 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे. अब चॉप्ड गार्लिक, सौते करेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए. अब हम कैरेट ऐड करेंगे, ग्रीन पीस, हीट हाई रखनी है, कैबेज, कैप्सिकम. तमाम वेजिटेबल्स को हमने स्टर फ्राई करना है. अब हम ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, चिकन पाउडर एंड सॉल्ट मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट हम इसको कुक करेंगे. विनेगर और सोया सॉस. वेजिटेबल्स को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है ताकि वो क्रंची रहे. अब हम राइस ऐड कर देंगे. अब हम एग जो थे वो डाल देंगे और ग्रीन अनियन. इसको स्टर फ्राई करेंगे 1 मिनट तकरीबन और इसको हम फिर सर्व कर देंगे. अब हम फ्राइड राइस को सर्व करेंगे. जी तो हमारे वेजिटेबल फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं. इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी. आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा. लाइक माय पेज फूड वर्ल्ड विद महक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फूड वर्ल्ड विद महक.